नमस्कार दोस्तों श्री कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और केमिस्ट्री के आज छोटे से टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों जो कि सावधांश का अर्थ हम समझेंगे तो आज चर्चा करेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स दोस्तों इस शब्द से ही आपको परिभाषाएं याद कर सकते हैं हेलो मतलब हाइलोजन तत्व और एल्केन मतलब एल्केन कहने का मतलब जब हाइलोजन तत्व किससे क्रिया करते हैं एल्केन से तो जो यौगिक का निर्माण होता है उसे हेलो एल्केन कहलाता है कहने का मतलब क्या है इसकी परिभाषा कि जब कोई हेलोजन समूह से हाइड्रोजन को विस्थापित करके स्वयं क्रिया करके यौगिक बनाते हैं उसे हेलो एल्केन कहते हैं ठीक है जैसे देखना दोस्तों हमने लिखा है एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु का एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु का एक हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन होने के पर प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन कहलाते हैं कहने का मतलब एल्केन का समूह है और उसमें एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा और उसके जगह हाइलोजन समूह हाइलोजन समूह कौन कौन से दोस्तों तो फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एस्टाटीन फ्लोरीन को फ्लोरो क्लोरीन को क्लोरो ब्रोमीन को, को ब्रोमो आयोडीन को आयोडो बोला जाता है इस प्रकार से जब से जब एल्केन समूह एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होता है और उसके जगह समूह आके जुड़ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं हैं दोस्तों कहते है। जैसे मेथेन ठीक है और तो, तो ब्रोमीन से ब्रोमो और एथेन, से ब्रोमो एथेन हो जाए मेथेन सॉरी दोस्तों क्योंकि एक कार्बन है तो मेथ बोलते हैं इस तरह से दोस्तों यदि हम यहां पर देखें तो क्लोरीन प्रतिस्थापित हुआ एक हाइड्रोजन निकल यहां से प्रतिस्थापित कर दिया तो तीन कार्बन है तो मेथ, एथ प्रोप ठीक है और क्लोरीन तो क्लोरो क्या हो जाएगा दोस्तों क्लोरो और प्रोपेन हो जाएगा दोस्तों ठीक है यदि यहां पर देखें दो कार्बन है तो मेथ एथ ये एथेन हो जाएगा ठीक है और ये आयोडो तो आयोडो एथिन इस प्रकार दोस्तों आप इसकी परिभाषा याद कर लें एल्केन क्या कहलाता है एक बार पुनः हम बता रहे हैं कि हाइलोजन तत्व जब एलकेन समूह से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं और जिससे यौगिक प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं हेलो कहते हैं दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे हाइलो एरीन दोस्तों हाइलो एरीन एरिन में बेंजीन रिंग जुड़ा रहेगा कहने का मतलब जिनकी संरचनाएं बंद होगी ठीक है तो बेंजीन रिंग में जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होता है किससे समूह से हैलो मतलब तत्व ये सत्रहवे समूह के तत्वों को कहा जाता है दोस्तों तत्व तत्व क्योंकि ये सभी सभी कहां पाए जाते हैं समुद्र में कौन कौन से फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयो, आयोडीन मुख्यतः चार तत्व याद कर लें दोस्तों फसल इसका ट्रिक भी हमने बताया था ठीक तो है तो चलिए देखते हैं इसका परिभाषा क्या है सेम परिभाषा है बस थोड़ा सा डिफरेंस है वहां एल्केन था यहाँ एरिन समूह कहने का मतलब एरिन के एक हाइड्रोजन परमाणु का जब एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन होता है तो उससे जो यौगिक प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों है इसमें इसमें समूह 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 जुड़ा रहता है है और इसमें जो एल्केन जुड़े रहते हैं मतलब एर, से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित तो होता है और उसके जगह क्या जुड़ जाता है हाइड्रोजन तत्व जुड़ जाते हैं कौन कौन से फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन और आयोडीन फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन और आयोडीन दोस्तों ये बेंजीन रिंग है यदिन इनका नामकरण करें तो ये क्या है दोस्तों क्लोरो है ये क्या है क्लोरो अब इसको क्या बोलते हैं हम बेंजीन तो क्लोरोन इसका नाम कह सकते हैं इसको दोस्तों क्या कह सकते हैं अपन ब्रोमो और ये क्या है बेंजीन तो बेंजीन तो ब्रोमो कह सकते हैं दोस्तों यदि इसकी नाम की बात करें तो ये क्या है आयोडो ठीक है तो आयोडो और क्या है दोस्तों बेंजीन तो बेंजीन इस प्रकार दोस्तों एलिपैटिक और एरोमेटिक की बात कर रहे थे एलिपैटिक अर्थात जो एल्केन्स होते हैं एलिफैटिक होते हैं और एलिमे एरोमेटिक जो होते हैं वो एरिन्स होते हैं एलिफेटिक और एरिमेटिक की संरचना यदि आपको अपने शब्दांश से याद करना है एलिफेटिक फैटिक मतलब फैलना कहने का मतलब जिनकी संरचनाएं खुली हुई होती है उन्हें एरोमेटिक है। है तो के अंतर्गत आते, है आते हैं कहने का मतलब ये जो भी यौगिक रहेंगी इनके हाइड्रोकार्बन जो है बंद श्रृंखला के रूप में संरचना बनाएंगी लेकिन जो हाइलो एल्केन्स होते हैं इनकी श्रृंखलाएं खुली हुई श्रृंखला होती है इस प्रकार दोस्तों आज हम हाइलो एल्कोन हेलो एल्केन और हेलो की सिर्फ परिभाषा बताया दोस्तों क्योंकि परिभाषाएं आपको ना आता तो इसको आप समझ लें दोस्तों ठीक है धन्यवाद दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और आइकन दबा लें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त तो होता रहे धन्यवाद